कुछ दिन पहला गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग विचों कथित तौर पर सम्मान चोरी करने के दोष हेठ गिरफ्तारी तो बाद जमानत उत्ते आए सहायक मुलाजिम वालों खुदकुशी कर ले जाण दा समाचार है। उसने 3 अक्टूबर की देर रात को पखे नाल फाहा ला के खुदकुशी कर ली सी। इस मौके मृतक हरप्रीत की पत्नी ने दसिया कि जब तक उसके मरहूम पति को तंग करने वाले दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती उदों तक वो संस्कार नहीं करनगे। तुहानू दस दिए कुछ दिन पहले GNDU के इलैक्ट्रॉनिक विभाग में सहायक मुलाजम हरप्रीत सिंह को सुरक्षा विभाग के मुलाजमान ने चोरी किए पखियां ते बिजली के समान सने फड़ के पुलिस सपुरद किया सी, जिथे पुलिस ने हरप्रीत खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके करोना का दौर होने कारण विभागी ते सरकारी निर्देशों कारण उसनू पठानकोट की जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिता सी, जिथों हरप्रीत सिंह 1 अक्तूबर को जमानत उत्ते रिहा होकर घर परतिया सी। ते जिस तो बाद 3 अक्तूबर की रात को उसने पखे नाल फाहा लगा के खुदकुशी कर ली। मृतक की पत्नी हरजीत कौर ते भैन मनिंदर कौर ने दसिया कि हरप्रीत सिंह नू उसदे इंचार्ज ते सुरक्षा सुपरवाइजर ने फसा के परेशान किया ते उसकी कुटमार करके वीडियो वायरल की सी, जिस कारण हरप्रीत सिंह बेहद ही परेशान रहन लग पिया सी ते उसने खुदकुशी कर ली। जिस तो बाद परिवारिक मैंबरां ने GNDU के बाहर धरना लगा दिता ते उन्होंने मंग की है जदों तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होंदा उदों तक वो धरना नहीं चुकणगे। जिस तो बाद मौके उत्ते पुलिस पहुँच गई है ते परिवारिक मैंबरां के बयान उत्ते मामला दर्ज कर लिया गया ते इन्वेस्टिगेशन जारी है। अमृतसर तो पंजाब TV लई शमशेर सिंह की रिपोर्ट। हरप्रीत सिंह मेरा वीरा जिन्हों यूनिवर्सिटी वाले ने छुट्टी वाले दिन बुला के चोरी का इल्जाम झूठा पा के उसकी मारपीट की है। मारपीट कर करके उसने बोलिया कि तू चोरी का इकरार कर और सानू दसिया तक नहीं चोर कल के नाल होया। वीडियो बना के वायरल की गई, निके निके बच्चे दे कोलों वीडियो बुला के मार कटाई की, उन्होंने कहा चोर बन, चोर बनने लिए इन्होंने मजबूर किया। वीडियो बना के इन्नी वायरल की गई कि साड़ी गली दे निके निके बच्चे कोल वो वीडियो सी, साडा बच्चा किसी ने मूँह खोंजोगा नहीं इन्हें छड्डिया, बेकसूर होंदे हुए भी उन्होंने चोर साबित कर दिता गया। उन्हें पैर फड़ फड़ के गया मेरी जिंदगी का सवाल, पर इन्हें वह एक वास्ता नहीं सुने, इन्होंने कोई इनफॉर्म नहीं किया। साडा बच्चा बारी दीदी घर ही लिया, अगले दिन उसने पखे ना लटके सुसाइड कर ली, पर वो कहता सी मम्मी मैनू इन्होंने आराम लभाए ने, बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया, पुलिस वालों ने बहुत टॉर्चर किया, सिक्योरिटी वाले ने बहुत टॉर्चर किया, सह नहीं सकया, सह नहीं सकया। पढ़ता नहीं सी, हरप्रीत सिंह सीगा, हरप्रीत सिंह सीगा उहदा नाम, इलैक्ट्रीशियन का काम करता सी अंदर। उन्होंने 1 साल पहला इन्हों रिश्वत लेंद्यां दी वीडियो बना के वायरल की, मेरे ब्रदर ने कोर्ट च केस लाया सी कि सानू पक्का किया जाए, साडी तनखा वधाई जाए। इन्ना साल बाद उन्हों काम ते फिर 2 महीने पहला रख के उसनू 1 साल दा फसाया गया, सारी साजिश रच के ना प्लैन बना के बच्चे नू कल्ले नू फसाया गया। जिहड़े भी इन्होंने वीडियो बनाई ना उन्होंने अपने मूँह लिया, सिर्फ साडे बच्चे का मूँह लिया, कोई बच्चा नहीं गा, इन्हां दा कोई सहारा नहीं गा, इन्हां नूं इंसाफ दिता जावे, साडे वीर नूं इंसाफ दिता जावे, उहदा कलंक धोता जावे, उहनां नूं सख्त तों सख्त कारवाई की जावे, डिसमिस किया जावे, मंग परचा दर्ज किया जाए। 4 दिन सौ के सू कल्पद साडा कोई सुनवाई नहीं हुई, 4 दिन हो गए आ, अज इस धरने तो बाद इन्होंने फटाफट कार्रवाई शुरू की है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास दविंदर सिंह संत शपाही सेवा सैटी लुधियाना तो जी, अज इस परिवार वालों सानू फोन आया कि साडे परिवार दे नाल आ धक्का हो गया। मैं समझदा वा अज पंजाब दे विच सच की गल करन वास्ते जिहड़ा वा कोई भी गल करता तो उहदा सिर कुचल लिया जांदा वा, ते कुचलदी वी कौन है, साडी सरकार, साडे जिहड़े नुमाइंदे चुने हुए ने ये लोग। अज प्रशासन ने आप खुद पखे चोरी करदा इल्जाम जिहड़ा इह बंदे ते लाया, हालांकि कुछ इदां दी कोई गल नहीं आ, जे बंदे ने चोरी कीती हुंदी चोर
चोर तो मैं कहना बेचारा उन्होंने जेल भेजा जाता, माड़ा हमेशा रगड़िया जाता वा, जिहड़ा चतर चलाक होवे वो काम भी कर देता कांड भी कर देता, सामने नहीं आता। तो अज मैं समझता वा ये मुंडे ने सिर्फ सिर्फ इसकी गलती ये कि यूनिवर्सिटी के एक झाड़ू मारन वाला भी रखा जाए तो उदों को 35,000 रुपया लिया जाता वा, तो इन्हें उस बंदे की वीडियो बनाई, उल्टा वो जो सुपरवाइजर है इन्हू धमकियां दे रहा वा कि मेरी तो जी वीसी तक गल आ। मैं समझता वा कि वीसी भी नाल ही इनकलूडिंग हैगा वा, जिहड़ा कम से कम एक झाड़ू मारन वाले बेचारे गरीब मजदूर रखते आ तो 40,000 उन्होंने को लेंगे आ। तो मैं कहना उन्होंने कितने ना कि सच जरा दुनिया के सामने लैके आना चाहता सी उस वेले दब दिता गया, तो उन्हें अपनी जान जी अपनी गवाही है ना वह चुकई आ। हुण जो हो गया वा वह परमात्मा का भाणा मनना सानू पैना वा, परिवार को मनना पैना है ना। हुण कम से कम वीसी सवेर का सीसीटीवी कैमरे के अंदरों बाहर वेखण डिया, डीसी कह के इन्नी सिक्योरिटी लवा ली आ कि गल, वीसी का एक बार फर्ज नहीं बनता बुढ़ी माँ के आ के मोढ़े हाथ रखता कि कम से कम जिहड़ा वा मैं परिवार का जाके सारा बना दिलासा दे के आवां जो होना सी हो गया। पता नहीं अनेक इदा के कारनामे यूनिवर्सिटी के अंदर की चलते हो गए, अज बहुत वड्डे सवाल मैं पैदा कर दवा। अज कित्थे गई यूनिवर्सिटी के प्रधान किसी ने आण के इत्थे मतलब कोई धी भैन दे नाल खड़े नहीं की गल, तुसीं जिहड़ी यूनिवर्सिटियां दे विच आशकियां मुशुकियां हुंदियां उहनां दे झगड़े हुंदे आ उहनां नूं सुलझाउण तक सीमित रह गए। मामले दा जिम्मेवार कौन हैगा वीरे? इह जिम्मेवार जिहड़ा ना मैं कहिंदा वां कि प्रशासन आ ब्रदर। मैं कहिंदा इह कारवाई ते पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट तों आउण तों पहलां पहलां कर देणी चाहीदी सी, ठीक है ना। हुण 4 दिन हो गए ने इह परिवार नूं रोंदिआं नूं, अज किद्दां कदे किसी ने वेख्या कि धरने दे उत्ते आण के पुलिस परचा कटदी आ? राती उही मुलाजम कह रहे सी कि पहलां संस्कार करो फिर परचा दर्ज करूगा, अज जदों सारे जनता ने आण के घेरा पाया वा अज तुसीं वेचण के परचा कट्टण डे हो। 10 मिंट दा सानूं दस्सिया इन्हां ने, 10 मिंट तक एफ आई आर कापी आ जाएगी, इह तां आपां बैठे आपां इत्थे पाई आ उहदे मुताबिक असीं एफ आई आर दर्ज कर ली आ। इन्वेस्टिगेशन च जो फैक्ट होणगे उहदे मुताबिक कर दे। परिवारिक मैंबर लगातार इह कह रहे सी कि दोषियां दे जिहड़े नाम ने पुलिस मुलाजमां दे उह नहीं लिखे जा रहे। देखो जे पुलिस मुलाजम दोषी होएगा ते जरूर कार्रवाई होएगी, जे नहीं होगा तो फिर नहीं। जिहड़ी वीडियो सामने आई है वो सिक्योरिटी के कुछ यूनिवर्सिटी के मुलाजम है उन्होंने बारे भी बरीकी नाल जांच की जा रही है। पता लगा है कि केड़े-केड़े मुलाजम ने जिन्हां नूं जिहड़ा है वीडियो पाई गई सी अजय इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा, हाल की घड़ी कुछ नहीं पता। सर कदों तक इन्वेस्टिगेशन जारी है? विद इन वीक कंप्लीट हो जाऊगी। सर जिहड़े दोषियों के नाम ले जा रहे हैं पुलिस मुलाजमान के की वो दर्ज किए जाएंगे? नाल देखो जे कसूरवार होए तो फिर दर्ज करांगे कि इदां ही करदी जो जो फैक्ट हैगा वो मुताबिक कार्रवाई की जाऊगी। धन्यवाद।